हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्लैम गर्ल श्वेता। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेकअप बट विदाउट यूजिंग ब्रश। जी हाँ, मैं ये फ्लॉलेस लुक क्रिएट करने वाली हूँ लेकिन ब्रश के हेल्प के सिवाय। तो चलिए लेट गेट स्टार्टेड। ओके गाइस, तो मैं सबसे पहले स्टार्ट करती हूँ अपने फेस को प्राइम करने से। तो मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पर एंटी एक्ने सीरम, जो लेटेस्ट लॉन्च है वाओ का। इसका हॉल वीडियो मैंने रिसेंटली अपलोड किया है, तो आप चेकआउट ज़रूर कीजिए। ऊपर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सॉरी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी एंड ऊपर आई बटन में आप इसे चेक कर सकते हो। तो एक्ने प्रॉन स्किन के लिए बहुत ही अच्छे से वर्क करता है। नेक्स्ट मॉइस्चराइज़र के लिए मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ शुगर का ब्लिंक मॉइस्चराइज़र। इसका भी रिव्यू मैंने अपलोड किया हुआ है मेरे चैनल के ऊपर। तो जो जो प्रोडक्ट मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ उनके बाइंग लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, एंड अगर आप उनका रिव्यू देखना चाहते हो तो वो भी मेरे चैनल के ऊपर आपको मिल जाएंगे। तो एक बार ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। तो मॉइस्चराइज़र को करेंगे अच्छे से ब्लेंड। ये बहुत ही अच्छी टिंटेड ग्लॉसी फिनिश आपके फेस के ऊपर प्रोवाइड कर देता है। यहाँ पर मैं लैक्मे एब्सोल्यूट का फाउंडेशन, मैट रियल फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ, जो कि है मूज फाउंडेशन। जब आप विदाउट ब्रश कोई भी मेकअप यूज़ कर रहे हो, अप्लाई कर रहे हो, तब आप कुछ ऐसे प्रोडक्ट आपको यूज़ करने चाहिए जो बहुत ज़्यादा ब्लेंडेबल हो और बहुत ही अच्छा फिनिश लुक आपके फेस के ऊपर प्रोवाइड करे। अगर आप बहुत ज़्यादा थिक कंसिस्टेंसी के कुछ प्रोडक्ट यूज़ करोगे तो वो अच्छे से ब्लेंड नहीं हो पाएंगे एंड आपके फेस के ऊपर बहुत ही पैची सा लुक दिखेगा, जो कि बहुत ख़राब दिखता है एंड क्रैक्स भी मेकअप के ऊपर आ जाते हैं। देन मैं यहाँ पर अप्लाई कर रही हूँ कंसीलर, जो है अगेन NYBA का। बहुत ही ब्लेंडेबल है ये भी और लाइट वेट भी है। ये मेकअप लुक आप कहीं पर भी एवरीडे भी कैरी कर सकते हो, और कहीं छोटी मोटी ओकेजन पर, फंक्शन पर, पार्टी पर, या फिर आपको अगर कहीं बाहर घूमने जाना हो तब भी आप ये वाला लुक क्रिएट कर सकते हो। जब आपको खास करके कोई भी ज़्यादा ब्रशेस की ज़रूरत नहीं होगी और आप कहीं पर भी इजीली ये वाला मेकअप लुक ट्राई कर सकते हो। अगर आपको मेरे मेकअप लुक्स और मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा एंड शेयर करना ना भूले। ब्लेंड करूँगी मैं ब्यूटी ब्लेंडर से एंड इसे सेट करने के लिए मेबलिन का फिट मी कॉम्पैक्ट यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ। अच्छे से मेकअप को सेट कर देंगे और ये बहुत ही लॉन्ग वेयर वाला कॉम्पैक्ट है, मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। अच्छी फिनिश भी आपके फेस के ऊपर प्रोवाइड कर देता है। हाथों की हेल्प से अच्छे से इवन आउट कर देंगे एंड आई मेकअप के लिए यहाँ पर वेट एंड वाइल्ड का आई शेडो पैलेट मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ। इसमें मेरा शेड है रोज इन द एयर एंड ट्रांजिशन शेड से यहाँ पर मैं स्टार्ट कर रही हूँ और इस तरह से फिंगर्स की हेल्प से मैं ब्लेंड करूँगी प्रॉपर। बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाता है, जैसा कि मैंने आपको बोला कि जब आप अपने हाथों से मेकअप कर रहे हो यानी ब्रश की हेल्प से नहीं कर रहे हो, तब आपको कुछ ऐसी मेकअप चीज़ों का यूज़ करना चाहिए जो बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड हो, ब्लेंडेबल हो। तो ये कुछ ऐसा ही टाइप का पैलेट है। जो जो शेड यहाँ पर मैं पिक कर रही हूँ आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा, तो मैं इसे अच्छे से ब्लेंड करते हुए अपने फिंगर से ही प्रॉपर ब्लेंडिंग करूँगी। और ये बहुत ही प्यारा पिगमेंटेड पैलेट है जो आप बहुत ही इजीली कैरी कर सकते हो एवरी बिगिनर गर्ल के पास, या फिर जो मेकअप में नए हैं, जिनको मेकअप ट्राई करना है उनके लिए ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। आप ज़रूर इसके साथ जा सकते हो, बहुत ही ज़्यादा ब्लेंडेबल है। नेक्स्ट मैं यहाँ पर इसे थोड़ा सा लाइटन अप करने के लिए ये वाला जो शेड है फेंट शेड मेरे आँखों के जो स्टार्टिंग कॉर्नर है, इनर कॉर्नर है, वहाँ पर पुट कर दूंगी इस तरह से, ताकि हमारी आंखें जो है ब्राइट अप दिखे, बहुत ही ज़्यादा बड़ी बड़ी लगे, अच्छे से खुली खुली लगे। देन अगेन ट्रांजिशन शेड से मैं अपने फिंगर्स से हेल्प से आंखों के नीचे जो है इस तरह से स्मर्जिंग लाइन क्रिएट करूँगी, जैसे हम ब्रश के हेल्प से करते हैं। बहुत ही ईजीली करना है आपको, और ध्यान रखें कि आप आपके नाखून जो है इस वक्त बहुत ज़्यादा शार्प नहीं हो।
देन अगेन मैं फिटमी के कॉम्पैक्ट से जो है मेकअप को सेट करूँगी ताकि कोई भी फॉल आउट हो तो वो भी रिमूव हो जाए एंड एक इवन फिनिश लुक जो है आँखों के नीचे भी मिल जाए। शुगर के काजल से मैं कोहल काजल है ये डार्क मेरी वाटर लाइन पर फील करूँगी, ये स्मज नॉट है और बहुत ही लॉन्ग वेयर करता है। स्पेशली अब मानसून का वेदर है तो यूजुअली आपको कुछ ऐसी चीज़ें यूज़ करनी चाहिए जो वाटरप्रूफ हो। और शुगर का ही न्यू लॉन्च यहाँ पर मैं जेल आईलाइनर यूज़ कर रही हूँ जो मुझे अभी अभी रिसीव हुआ है गाइस, और मैं वेट नहीं कर सकी इसे हॉल तक। मैं इसका हॉल ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। एक्चुअली मेरा और एक पार्सल आने वाला है शुगर की तरफ से, तो तब मैं एक साथ इनका जो है हॉल शेयर करने वाली हूँ आपके साथ। लेकिन अभी मुझसे रहा नहीं गया, मैंने तुरंत ही पार्सल को ओपन कर दिया और मैं इन प्रोडक्ट को ट्राई करना चाहती थी तो इस वजह से मैंने इन्हें यहाँ पर ट्राई किया है। एंड ट्रस्ट मी गाइस, मैं इसकी मतलब थोड़ी सी डिसअपॉइंट हो गई थी इसकी क्वांटिटी देखकर सबसे पहले तो, लेकिन जब मैंने इसे अप्लाई किया आई जस्ट लव इट गाइस। मैं एक्चुअली इसका पूरा का पूरा स्टॉक रखना चाहूँगी ताकि ये कभी स्टॉक आउट ना हो मेरे पास, क्योंकि बहुत ही ऑसम प्रोडक्ट है। अगर आप बिगिनर हो ना गाइस और आपको आईलाइनर का बहुत ज़्यादा शौक है तो आप मस्ट बाय कीजिए। थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट होगी, थोड़ा कॉस्टली पड़ेगा, लेकिन ट्रस्ट मी ये बहुत ही अच्छे से वर्क करता है, लॉन्ग लास्टिंग है, स्मज प्रूफ है, वाटर प्रूफ है एंड एवरी बिगिनर गर्ल के लिए ये बहुत ही अच्छा वाला आईलाइनर है। आप इसे किसी भी तरह से यूज़ करो, लेकिन बहुत ही अच्छे से ये शार्प लाइन, इसका ब्रश एप्लीकेटर भी बहुत ही अच्छे से है एंड मतलब मैं इसकी जितनी तारीफ करूँ उतनी कम है। आप मस्ट बाय कीजिए। मेबलिन के भी जेल आईलाइनर से ये मुझे बहुत ही ज़्यादा बेहतर लगा, और मैं यूजुअली मैक का यूज़ करती हूँ लेकिन वो उतना मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है, और ये टोटली मैट फिनिश लुक आपके आईज़ को प्रोवाइड करता है। आई जस्ट लव इट। मैं ज़रूर इसे अगेन बाय करूँगी। आप देख सकते हो मेरा आईज़ का लुक। और अब मैं अपने आईब्रोज़ को फिल करूँगी NYBA की आईब्रो पेंसिल से जो है ब्राउन शेड में, और इसे अच्छे से फील करने के बाद मैं स्पूली के हेल्प से आईब्रोज़ को कॉम करूँगी ताकि जो प्रोडक्ट है इवन आउट स्प्रेड हो जाए। तो इस टाइमिंग पर मुझे स्पूली यूज़ करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इसके लिए कोई भी ऑप्शन आप यूज़ नहीं कर सकते हो, लेकिन ये ब्रश में काउंट नहीं होती हैं तो प्लीज़ आप इसे ब्रश में काउंट बिल्कुल भी मत करिएगा। ये स्पूली है जो एप्लीकेटर के साथ आती है। ओके, अब आप मेरा आई लुक देख सकते हो। यहाँ पर मुझे सेकंड जो प्रोडक्ट रिसीव हुआ था शुगर की तरफ से ये पैलेट, ये भी बहुत ही ज़्यादा ऑसम पैलेट है। इसका पिगमेंटेशन काफ़ी बढ़िया है, ये एक कॉन्टोर ब्लश और हाइलाइटर पैलेट है। तो यहाँ पर मैं कॉन्टोर शेड से जो है अपने यूजुअल एरिया को यानी चिक बोन एरिया को जो है कॉन्टोर कर रही हूँ। ब्रॉन्जिंग शेड है ये, और इस तरह से फिंगर्स की हेल्प से ही मैं एक लाइन क्रिएट करते हुए ब्लेंड करूँगी, और ये सुपर 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 ब्लेंडेबल है, टोटली ब्यूटीफुल पैलेट है, ये भी आपको मस्ट बाय करना चाहिए। अब ब्लश अप्लाई कर रही हूँ मैं, और बहुत ही प्यारा शेड है ब्लश का, बहुत ही ओवर लुक नहीं देता है, और आप इसे रेगुलर कैरी कर सकते हो, इतना ज़्यादा पिगमेंटेड है। इसे अप्लाई करने के बाद कुछ ऐसा फील नहीं होता कि आपने कुछ डार्क मेकअप वेयर किया हो, या आपकी स्किन के अंदर बहुत अच्छे से मर्ज हो जाता है। देन इसका हाइलाइटर, ओ माय गॉड, मैंने बहुत सारे हाइलाइटर यूज़ किए हैं लेकिन ये वाला बहुत ही ज़्यादा पिगमेंटेड है, बिल्कुल चौकी नहीं है एंड आपकी स्किन में एक अलग से शाइन प्रोवाइड कर देता है। तो मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ शुगर का ही हाइलाइटर, ये 3-in-1 पैलेट है, इसमें मेरा शेड आई थिंक 02 है। इसका हॉल आपको जल्द ही देखने के लिए मिल जाएगा। नोज को शार्पन करूँगी कॉन्टोर सेम कॉन्टोरिंग से। अब मैं जो मेरा थर्ड प्रोडक्ट इसमें रिसीव हुआ था ये एक लिपस्टिक है, लेकिन ये जो है लिमिटेड एडिशन लिपस्टिक है, और इसका जो रेड कलर है, मेरे पास शुगर की तीनों रेड शेड की लिपस्टिक है लेकिन तीनों का जो रेड वेरियंट है अलग अलग है, और बहुत ही लाइट वेट पिगमेंटेड ऑसम लिपस्टिक है। नेक्स्ट मैं यहाँ पर मस्कारा यूज़ कर रही हूँ अगेन शुगर का, जो मुझे काफ़ी पहले रिसीव हुआ था।
जो मैंने आपके साथ ऑलरेडी शेयर किया हुआ है। इस बार मुझे 3 प्रोडक्ट रिसीव हुए थे जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और इसी के साथ मेरा मेकअप लुक कंप्लीट होता है, आप देख सकते हो। ओके गाइस, तो दिस इज द फाइनल लुक, आप देख सकते हो। बहुत ही अच्छा और ब्लेंडेबल मेकअप आप विदाउट ब्रश भी कर सकते हो और इस तरह का लुक एवरीडे के लिए भी कैरी कर सकते हो, या फिर अगर आपको जाना है कहीं बाहर बहुत छोटी छोटी पार्टीज में या फिर कहीं ओकेजन पर, तब भी आप इस टाइप के मेकअप को ट्राई कर सकते हो। और जो ज्वेलरी मैंने आज वेयर की है, स्पेशली ये स्टड और ये जो मेरा नेम मंगलसूत्र है, ये टोटली कस्टमाइज है और ये मुझे रिसीव हुआ है एक इंस्टाग्राम स्टोर से, जिसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी और यहाँ पर भी आप उनका डिटेल्स जो है इन्फॉर्मेशन जान सकते हो। तो एक बार लिंक के ऊपर क्लिक जरूर कीजिएगा, बहुत ही अच्छे अच्छे ऑप्शंस आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। ऑक्सीडाइज ज्वेलरी में, महाराष्ट्रियन ज्वेलरी में कई सारे वेरिएंट आपको बहुत ही अफोर्डेबल रेंज में मिल जाएंगे, तो एक बार चेकआउट जरूर कीजिएगा। लेटेस्ट मंगलसूत्र के बहुत सारे डिजाइंस वेरिएशन वहां पर आपको मिल जाएंगे, या फिर नेकलेस के, अमेरिकन स्टड्स के, डायमंड्स के बहुत सारे वेरिएंट वहां पर अवेलेबल है। इसमें यहां पर आपको दिखाना चाहूंगी, ये है कुछ स्टड्स जो मैंने मुझे रिसीव हुए थे, आप देख सकते हो इनकी क्वालिटी, और बहुत ही कम रेट्स में एक्चुअली आपको मिल जाते हैं। और ये सिल्वर ऑक्सीडाइज है, कुछ कॉपर ऑक्सीडाइज है, अभी जो मैंने वेयर किया है ये कॉपर ऑक्सीडाइज है जो मेरे मेकअप लुक के साथ बहुत ही अच्छे से सूट हो रही है। एंड ये जो मंगलसूत्र है मैंने काफ़ी टाइम पहले इनसे ऑर्डर किया था और इसे लगभग 1 साल से ऊपर हो गया, लेकिन इसकी पॉलिश इसकी क्वालिटी एज इट इज है, तो मैं एश्योरेंस के साथ कह सकती हूँ कि बहुत अच्छे प्रोडक्ट आपको रिसीव होंगे। और अगर आप पसंद करते हैं कुछ महाराष्ट्र ज्वेलरी टाइप लाइक नथ और ये, तो ये भी आपको बहुत ही अच्छे अच्छे ऑप्शंस के साथ, डिजाइन के साथ मिल जाएगी। और ये प्रेस ज्वेलरी है तो आप इसे बहुत अच्छे से कैरी कर सकते हो, वेयर कर सकते हो, तो इसमें भी बहुत सारे डिजाइंस वेरिएशन, चाहे वो नेकलेसेस हो, चाहे वो इयररिंग्स हो, चाहे वो अदर बैंगल्स वगैरह, टोटल ज्वेलरी आपको वहां पर मिल जाएगी, तो एक बार चेकआउट जरूर कीजिएगा। एंड अदर भी कस्टमाइज कुछ गिफ्ट्स, बहुत ही इंटरेस्टिंग बहुत सारे चीजें आपको वहां पर मिल जाएगी, तो एक बार जरूर चेकआउट कीजिएगा। और अगर आपको ये वाला लुक बहुत ज्यादा पसंद आया है और आप भी इसे ट्राई करना चाहते हो तो जरूर ट्राई कीजिए और मुझे टैग करना ना भूलिए इंस्टाग्राम पर। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन मिल जाएगी। ये वाला वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक करना ना भूले। मैं मिलती हूँ आपसे किसी नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियोज में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, लव यू एंड बाय।